जड्डू, आपने जिस तरह का 100 किया, ऑब्वियसली कहने की बात नहीं है। दो तरह से, जब ऋषभ बैटिंग कर रहे थे तभी और उसके बाद आज आपने किया, कितना सेटिस्फाइंग रही है ये 100 आपके लिए? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंडिया के बाहर और स्पेशली इंग्लैंड में 100 मारना तो एक एज ए प्लेयर बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरे लिए एक यहाँ से मैं अपने आप को एक अच्छे कॉन्फिडेंट एज ए प्लेयर में देख सकता हूँ कि इंग्लैंड के बाहर जाके स्कोर करना और स्पेशली यहाँ स्विंगिंग कंडीशन में, तो या ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें एक सिर्फ ये चीज़ जोड़ना चाह रहा था, पिछले 2-3 महीने जो भी रहे आईपीएल में, जिस तरह की चीज़ें रहीं, क्या आप ज़्यादा डिटरमिंड थे खुद को साबित करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ही आईपीएल का दिमाग में तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो जो हो गया वो हो गया। बट इंडिया के लिए जब आप खेल रहे हो तो पूरा फोकस इंडियन टीम के लिए करने के लिए होता है। तो बस मेरा भी यही था कि अगर मैं इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। राहुल जब बैटिंग करते थे तो वो बोलते थे कि सहवाग के साथ बैटिंग करना मुश्किल होता था क्योंकि वो जो कर रहा है वो हमें नहीं करना है। वैसे ऋषभ के साथ बैटिंग करते हुए होता है कि जो जिस तरीके से वो शॉट मारता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर तो हट जाता है क्योंकि वो हर एक बॉलर को एक तरीके से ही मार रहा था, कोई भी बॉलर को नहीं छोड़ रहा था। तो नॉन स्ट्राइकर पे मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो लोग मेरे पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, ऋषभ को आउट करने को देख रहे थे। तो एज ए बैट्समैन तो भी इंग्लैंड में आके आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है क्योंकि कभी भी इजी नहीं है। आप 50 रन पे या 70 रन पे आप खेल रहे हो, कभी भी अच्छा बॉल गिर सकता है। तो बस मैं और ऋषभ बात यही कर रहे थे कि लंबा पार्टनरशिप करने को देखेंगे, क्योंकि जब मैं बैटिंग में आया 95 कुछ रन थे बोर्ड पे, तो वहाँ से एक अच्छी पोजीशन में टीम को रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और होपफुली अच्छा हुआ और हम लोग ने अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड किया। क्योंकि जिमी एंडरसन ने अभी बोला कि फर्क ये हुआ है जडेजा के बैटिंग में कि वो अब खुद को फुल फ्लेज बैट्समैन समझते हैं, तो क्या ये भी आपको नजर आता है कि आप अपने आप को? देखिए, मतलब जब रन बनते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि बैट्समैन समझते ये करते, बट मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि अपने आप को जाके टाइम दूँ, पार्टनरशिप करूँ, जो भी सेट बैट्समैन खेल रहा है उसके साथ खेलने की कोशिश करूँ। तो अच्छी बात है उन्होंने जिमी एंडरसन को रियलाइज हुआ 2014 के बाद, तो मैं खुश हूँ। क्वेश्चन पूछना है आपके, जब बहुत स्विंग होता है, सीम होता है, तो आपकी सीक्रेट क्या है कैसे खेलने का? क्योंकि ये जो खेलते हैं वो एक कॉन्फिडेंस, कौन सा एक इनिंग्स है लाइक 2018 में कब आया है आपके गेम में, इसके बारे में? देखिए, इंग्लैंड में आके आपको मतलब बॉडी के पास खेलना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आप बाहर वाले बॉल को इतना स्विंग होते हो और आप बाहर कवर ड्राइव या स्क्वायर ड्राइव खेलने को देखते हो तो चांसेस है कि आप कॉट भी हो या स्लिप में आउट हो सकते हो। तो मैं फोकस यही कर रहा था कि मेरा ऑफ स्टंप के जो भी बाहर है, इनिशियली जब मैं बैटिंग करने गया तो मेरा यही था कि ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल मुझे छोड़ के खेलना है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि कवर खाली है, पॉइंट नहीं है, तो आप बाउंड्री ढूंढते हो कहीं ना कहीं और आप कॉट बिहाइंड या स्लिप में आउट हो सकते हो। तो मैं बस यही सोच रहा था कि एकदम ही अगर आगे बॉल होगी तब भी मैं मारने को देखूंगा, बट लकीली मैंने जो भी बॉल पिक किए वो मेरे एरियाज में थे और वो बाउंड्री कन्वर्ट किया। बट बस यही है कि अगर आपको आपका ऑफ स्टंप कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि जो भी बाहर का बॉल है वो आपको छोड़ना पड़ेगा इंग्लैंड में आकर। जी आप रविंद्र, बताइए, आपका गेम तो बड़ा जबरदस्त रहा। जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने एक स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज को एक ओवर में 29 रन मारे और 35 रन उस ओवर से आया, उस पर प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ही, वो जो भी हमारे मतलब 9 10 11 है वो हमारे टीम मैनेजमेंट उनको बैटिंग में मेहनत करवाते हैं। और अच्छी बात है कि जब 9 10 11 के बैट से रन आते हैं तो वो टीम के लिए हमेशा ही बोनस होता है। तो जसप्रीत भी मतलब वो अपने बैटिंग को लेके नेट में मतलब सीरियस बैटिंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जाने के लिए बैटिंग में जा रहा है, बट नहीं, वो अपने आप को मतलब थोड़ा अपने विकेट
टिकने के लिए देखता है, तो अच्छी बात है कि जो भी जो लास्ट लास्ट में रन 40-50 रन जो बने वो टीम के लिए बोनस है। बिल्कुल ही, जैसे मैंने अभी कहा कि ये कंडीशन में बॉल स्विंग होता है तो आपको बैटिंग में एक डिसिप्लिन वही रखना होता है कि आप चौथे पांचवे स्टंप पे आप जो बॉल है उसको आप पिक करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इधर आप सेट नहीं होते हो, आप 40-50 या 60-70 रन पे भी आपको मतलब अच्छा बॉल गिरेगा और आप स्लिप में आउट हो सकते हैं। तो कहीं ऐसे बैट्समैन है जो हमने देखा है कि वो ऐसे आउट होते हैं, तो मैं अपने आप को यही सोच रहा था कि अच्छा बॉल गिर भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मैं अपने आप को चांस दूंगा कि मैं गलत शॉट नहीं खेलूंगा और बाहर का जो है वो बाउंड्री ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, अगर मेरे रेंज में है, मेरे एरियाज में है तो वही शॉट में खेलने को देखूंगा। नहीं, ऑब्वियसली अच्छा लगा इंग्लैंड में आके 100 मारना, तो एज ए बैट्समैन सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा और ऊपर जाएगा और होपफुली आने वाले मैचेस में मैं अपने टीम के लिए और अच्छा करूंगा, क्योंकि आगे टूर्नामेंट बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आ रहे, तो होपफुली मैं अगर अब टीम के लिए अच्छा करूंगा तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में टीम के लिए फायदा ही होगा। हो सके कि मेरा कुछ रोल ना है वही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हमारे बॉलर्स 4 फास्ट बॉलर है इंग्लैंड में आके जैसे वो बॉल डाल रहे हैं बुमराह, शामी, सिराज और शार्दुल, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ रोल ना हो तो टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहले से लोग मानते थे रविंद्र जडेजा बॉलर है हु कैन बैट, अभी ऐसा लग रहा है कि स्पेशली लास्ट 3-4 इयर्स में ऐसा हो रहा है कि बैट्समैन प्राइमरी बैट्समैन हु बॉल्स, ऐसा भी बोल सकते हैं? नहीं नहीं, मैं अपने आप को कुछ टैग नहीं लगाता हूं, मतलब मेरा काम ये है कि जैसे टीम को जरूरत है वो मैं करने को देखता हूं, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर बैटिंग कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको रन करके टीम को बचाना और जिताना होता है, और कभी कभी बॉलिंग में आपको ब्रेक थ्रूज देने होते हैं, जो विकेट पार्टनरशिप होती है तो आपको विकेट 1-2 विकेट लेके देने होते हैं, तो मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैं टीम प्लेयर अपने आप को मानता हूँ कि जो टीम को जरूरत है वो मैं करने को देखता हूँ। थैंक यू।